बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो हमारे फ़र्स्ट व्लॉग में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। ये माह रमज़ान का व्लॉग है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, थोड़े थोड़े सहर और इफ्तार के झलकियाँ। तो यहाँ बन रही है फ्रूट चाट, जिसमें हमने डाल दी है चीनी, नमक, काला नमक और काली मिर्चें। तो फ्रूट चाट तो मस्ट है माह रमज़ान में बनाना, और जितनी माह रमज़ान में हम लोग बना लेते हैं उतनी पूरे साल नहीं बनाते। माह रमज़ान में ही ख़ास एहतमाम करते हैं हम लोग हर चीज़ का, माशाल्लाह। तो ये अब इसमें डाल रहे हैं हम चाट मसाला। और फ्रूट चाट भी एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप कुछ भी मिक्स कर दें, हर हाल में ही अच्छी लगती है। ये हमने नींबू इस पे से निचोड़ दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हाथों के साथ। तो ये मज़ेदार सी कलरफुल फ्रूट चाट बनके तैयार हो गई है। इसे रख देंगे हम फ्रिज में और इफ़्तार के टाइम इंशाल्लाह इसे ठंडा ठंडा खाएंगे। अब किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ चल रही है पकौड़ों की तैयारी है। आलू, गोभी और प्याज के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। पकौड़े हम लोग डेली तो नहीं बनाते क्योंकि हैवी हो जाता है थोड़ा, मगर कभी कभार अच्छे लगते हैं इफ़्तार में। और ये फ्रैम्स हैं जो लाजमी हैं चाय के साथ और शायद हर घर में ही बनते होंगे। तो ये तैयार हो रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और माह रमज़ान एक ऐसा महीना है कि सभी लोग एहतमाम करते हैं, स्पेशली इफ़्तार में। सहर तो फिर भी सिंपल कर लेते हैं, मगर इफ़्तार में तो अलग अलग वैरायटी सभी घरों में ट्राई होती है और तरह तरह के स्नैक्स बनते हैं। तो माशाल्लाह एक ऐसा मुबारक महीना है कि खुदा की एक अलग ही रहमत होती है। तो देखें ये तैयार हो गई हैं पकौड़ियाँ। और ये हनी चिली पटैटो, जिसकी अभी अभी हमने शूट ख़त्म की है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सब इफ्तार का सामान लग चुका है, बस दस्तरखान पे जाने की देर है। पकौड़ी हमने तैयार कर ली है गोभी आलू की, और क्या है कि पालक की, गोभी आलू प्याज की पकौड़ी। और ये बना लिया हमने हनी चिली पटैटो। और ये बन रही है ज़बरदस्त इलायची वाली चाय। अच्छा, सब फैमिलीज़ को अपने अपने घरों की चाय बहुत अच्छी लगती है और सुकून भी अपने घर की चाय पी के मिलता है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कुछ है। हमें तो स्पेशली अपने घर की ही चाय अच्छी लगती है और वही पी के सुकून मिलता है। और माह रमज़ान में तो जब तक चाय ना मिले तब तक थकन नहीं उतरती, और वो भी अच्छी सी मज़ेदार सी खौली हुई खूब चाय, जिसमें चीनी और दूध और पत्ती का अच्छा सा बैलेंस हो। तो फ्रेंड्स, ये लग चुका है दस्तरखान और अब हम लोग कर रहे हैं इफ़्तार। फिर हम आपसे अपनी सहर की भी रूटीन शेयर करेंगे। तो सहर में हम तैयार कर रहे हैं आज लौकाट की चटनी। इसके लिए हमने ले ली है लौकाट और इन्हें पील करके, और इनके सीड हमने अलग कर दिए थे। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है और पुदीना थोड़ा कम लिया है, क्योंकि पुदीना थोड़ा ज़्यादा डालने से थोड़ी तलखी आ जाती है, थोड़ी बिटरनेस। और इसमें हमने डाल दी है चीनी 2 से 3 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे इसमें सॉल्ट। ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है चटनी टेंगी फ्लेवर के साथ। तो अब इसमें डालेंगे हल्का सा कलर। ये देखिए हमने 1 पिंच से भी कम लिया है कि थोड़ा इसका कलर अच्छा है चटनी का। और इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके ये हमने चटनी तैयार कर ली है। पराठों वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है खट्टी मीठी चटनी लौकाट की। तो हम पराठों के लिए हमने तवा रख दिया है। इधर हम आपको दिखा दें कि ये हमने तैयार किए हैं पापे और दूध। इसमें डाल दिए थोड़ी सी खजूरें ताकत के लिए। ये हम लोग शहर में अलग अलग वैरायटी बना लेते हैं, कभी इसमें धनिया डाल देते हैं, कभी सेवइयाँ, कभी पापे, कभी रस। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी बहुत खजूरें 5-6। तो फ्रेंड्स, आज बन रहे हैं शहर में आलू के मज़ेदार से पराठे। और पराठे स्पेशली ब्रेकफास्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस शहर में हम लोग बना रहे हैं। और आलू में हमने मिक्स कर लिया है नमक मिर्च और हरा धनिया, और बहुत फ़ाइन प्याज चॉप करके इसमें डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो इसकी अच्छी सी स्टफ़िंग तैयार हो गई है। अब ये फिल करके हम बनाएंगे आलू के मज़ेदार पराठे। अच्छा, आलू के पराठे अगर हों तो फिर आपको किसी उसके साथ किसी सालन की या दाल की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप चाय के साथ भी ले लें तो मज़ेदार लगते हैं आलू के पराठे। तो ये हम तैयार कर लेंगे। आप लोग शहर में क्या खाना पसंद करते हैं, मैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के यहाँ मोस्टली क्या चीज़ तैयार होती है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी सहर होती है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं बनती हैं। तो अब ये एक तरफ से हो गया पराठा, आप दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें। मज़ेदार सा पराठा। तो अच्छे से दोनों साइड से हम इन्हें सेक लेंगे। वैसे मोस्टली हम लोगों के यहाँ बिल्कुल सिंपल सी सहर होती है, क्योंकि शहर में इतना हैवी खाने को दिल नहीं चाहता। बट आज सबका ही आलू के पराठे का दिल था, तो हमने लौकाट की चटनी बना ली पराठों के साथ, और चाय और दूध और फेनिए और या सेवई तो सबके यहाँ बनती हैं दूध के साथ। तो ये तैयार कर लिया। कभी कभी दिल चाहता है कि थोड़ा सा आप अलग चीज़ खाएं। तो ये आलू के पराठे तैयार हो गए हैं मज़ेदार से। और पराठा जब तक अच्छे से सिका हुआ ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता, तो इसे अच्छे से हम सेक लेंगे और ऐसे ही और पराठे तैयार कर लेंगे सहर में। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, खूब अच्छे से सिका हुआ पराठा। तो ये इधर तैयार हो रही है चाय। ये बस हम एक दो कप ही बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाय नहीं पीते हमारे यहाँ। बस एक दो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें चाय ज़रूर चाहिए, वरना उनके सर में दर्द हो जाता है। तो ये उनके लिए चाय भी है और दवा भी है शहर में। तो ये उनके लिए चाय तैयार हो रही है अच्छी सी। अच्छा, हम तो खाली इफ़्तार में ही चाय लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग इफ़्तार और शहर दोनों में लेते हैं या खाली इफ़्तार में ही लेते हैं चाय। तो देखिए व्यूअर्स, ये शहर में दस्तरखान लग चुका है गर्मा गर्म चाय और आलू के पराठों के साथ, और लौकाट की चटनी जिसकी क्विक सी रेसिपी हमने आपको दी है शहर में ही। हमारा फ़र्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शहर और इफ़्तार का, जो जल्दी जल्दी हमने शूट करके डाल दिया आप लोगों के लिए। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम और व्लॉग्स डाल सकें शहर और इफ़्तार के। तो ये तैयार हो चुकी है चाय के साथ और पराठों के साथ प्लेट। तो हम भी करते हैं अब इफ़्तार, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा शहर और इफ़्तार का। तो इसके साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात करते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें हमारी वीडियोस को, चैनल को सपोर्ट करें। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।